ये वीडियो जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले का वीडियो है। इस वीडियो से जुड़ी हुई तमाम खबरें अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों है, क्या है, इसके पीछे की क्या है पूरी कहानी, और आखिर इस वीडियो के बाद हुआ क्या, तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए आप यहाँ पर रुक सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ स्वाति कौशिक और आप इस वक्त देख रहे हैं लोकमत हिंदी। लोकमत हिंदी के इस बुलेटिन में, इस खास खबर में, छत्तीसगढ़ के कोरबा की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल कोरबा वो क्षेत्र है, वो डिस्ट्रिक्ट है जो सिर्फ प्रदेश ही नहीं, प्रदेश के साथ साथ देश के लिए भी एनर्जी के सेक्टर में खासा बड़ा काम करता है। यहाँ पर चाहे हम NTPC की बात कर लें या बाल्को की बात कर लें, ये तमाम वो कंपनी है जो ऊर्जा के क्षेत्र में काम करती हैं और लगातार इस क्षेत्र से कोल माइनिंग का काम जो है वो भी किया जाता है। तो कोल माइनिंग की जब बात करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ जहाँ एनर्जी की बात है, तो वहीं दूसरी तरफ इस क्षेत्र में बुरी तरीके से दुर्घटनाएँ भी उतनी ही होती है और असुरक्षा की भावना भी उतनी ही रहती है। तो एक बार फिर कोरबा और कोरबा का जो पूरा क्षेत्र है, ये अपनी असुरक्षा के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल बीती रात पिछले दिनों एक बड़ा हादसा इस क्षेत्र में हुआ। अचानक से कुसमुंडा के माइनिंग क्षेत्र पे अगर हम बात करें इस माइनिंग क्षेत्र की, तो यहाँ पर बारिश हुई और बारिश के बाद जैनसाला में 6 लोग जो हैं वो बह गए। एक अधिकारी, उनका पैर फिसला और वो पानी के बहाव के साथ बहते चले गए। बाकी 5 लोगों ने खुद को बहने के बाद भी संभाला। रेस्क्यू टीम चली, लगभग 22 घंटे की रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उन्हें निकाला गया, पर जब तक अधिकारी मिल पाते उनकी मृत्यु हो चुकी थी। ऐसी ही दुर्घटनाओं से घिरा ये क्षेत्र लगातार अपनी असुरक्षित व्यवस्थाओं के कारण लोगों के बीच दुष्प्रचारित है। एनर्जी तो देता ही है, लेकिन लोगों के जानमान की सुरक्षा के इंतज़ाम इनके पास नहीं होते। तो बता दें पहले कि ये क्या है पूरा मामला, कौन है वो अधिकारी और क्या है उसके बाद की पूरी कहानी। बता दें कि SECL की मेगा कोल माइनिंग कुसमुंडा में अचानक आए जल सैलाब में 6 लोग बह गए, जिसमें पहले एक अधिकारी जितेंद्र नागरकर का कोई पता नहीं चला, फिर अगले दिन सुबह उनकी लाश मिली और अब इस घटना का वीडियो सामने आया है, जिसे खदान से गुजर रहे एक ट्रक ड्राइवर ने लिया है। बताया जा रहा है कि लगभग 40 वर्षीय अधिकारी जितेंद्र नागरकर कोई करीब 3 साल पहले चंद्रपुर महाराष्ट्र स्थित WCL से ट्रांसफ़र होकर यहां आए थे। वे पुनः अपने ट्रांसफ़र के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे। उनका परिवार अभी भी चंद्रपुर में ही रहता है। मिली जानकारी अनुसार प्रबंधन, खदान बचाव दल, पुलिस, SDRF का बचाव दल पूरे समय रेस्क्यू में लगा रहा। लगभग घंटों रेस्क्यू के बाद अधिकारी का कहना है कि खदान में इतनी भारी मात्रा में पानी के साथ मिट्टी भरी है कि बचाव में मुश्किलें आ रही थी। मशीन भी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि खदान की जगह फिसलन भरी है। यहाँ से लोगों को निकाल पाने में खासी दिक्कतों का सामना बचाव दल को करना पड़ा है। ये तस्वीर बता रही है कि किस तरीके से कोरबा में कार्यरत व्यक्ति, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, वो कितनी असुरक्षाओं के बीच काम करता है। लगातार सरकार, शासन प्रशासन यहाँ इन परिस्थितियों में काम कर रहे लोगों की सुरक्षा को लेकर सवालों के घेरे में भी रहते हैं, लेकिन जब तक ऐसा कोई हादसा नहीं हो जाता, यहाँ के लोग जागते नहीं हैं। आखिर क्या है इसके पीछे का कारण, ये तमाम वो सवाल हैं जो हर कोई पूछना चाहता है और लोग समय समय पर पूछते भी हैं, पर सरकार प्रशासन ऐसी सोई हुई है कि उनको जागना शायद पसंद नहीं है। ये सीधे तौर पर सवाल या निशान है कि क्यों आखिर इन क्षेत्रों में आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लोगों की जाने जाते रहती हैं, चाहे वो माइनिंग हो, चाहे कंपनी के अंदर हो, चाहे फील्ड हो, तमाम उन जगहों पर, या ये सब ना हो तो सड़कों पर। कोरबा आखिर क्यों ऐसी जगह बना हुआ है, ये तमाम वो सवाल है जिसके जवाब लंबे समय से लोग ढूंढ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस मौत के बाद भी क्या शासन प्रशासन यहाँ की सुरक्षा को लेकर जागता है, या अभी भी हालात वैसे ही रहेंगे। छत्तीसगढ़ से लोकमत के लिए स्वाति कौशिक, रिपोर्ट।